हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ विशाल कुमार। और इसमें यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाला हमारा जो ऑनर्स पेपर होगा 400 नंबर, मतलब चार पेपर का होगा, यानी कि टोटल 400 मार्क्स और चार पेपर का। तो तीन पेपर तो प्रैक्टिकल ही आ, मतलब तीन पेपर ये थ्योरी आ गया और एक पेपर यहाँ पर प्रैक्टिकल हो गया। टोटल ये चारों पेपर मिलाकर कम से कम 180 नंबर चाहिए। चाहे आपका किसी में 30 आए, किसी में 15 आए, किसी में मतलब 90 आए, किसी में 40 आए, तो इस तरीके से नंबर ये वैरी करे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना 180 नंबर आना चाहिए। तो समझ गए कि कितना नंबर लाना होगा। और पासिंग मार्क्स के लिए तो पता है ही, 60% आप खुद से निकाल सकते हैं, यानी कि 624। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से 240 नंबर, इस तरीके से ये अपना जोड़ लीजिएगा, बस 60% चाहिए टोटल मिलाकर। जीएस पेपर आपका 100 नंबर का आता तो 33 नंबर। तो आप जूलॉजी ऑनर्स पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर थ्री, पेपर मतलब पेपर वन से लेकर पेपर एट तक तो पूरा अपलोडेड ही है मेरे चैनल पर, तो वो आप देख लीजिए। और नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, तो वो अपलोड कर देंगे हम एक दो दिन के अंदर में। तो जीएस पेपर भी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा। जीएस पेपर का जैसा कि ये देख सकते हैं, सिलेबस पहले देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है जीएस पेपर में। तो यहाँ पर जीएस पेपर का सिलेबस देख रहे हैं, ये सभी है, ग्रुप ए इतना सारा चीज़ पढ़ना है, ग्रुप बी इतना सारा चीज़ पढ़ना है। आप चाहे तो PYQ भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसी को सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पर तो मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप ए में ये सब हो गया क्वेश्चन, फिर उसके बाद ग्रुप बी में ये पूरा क्वेश्चन है। तो पांच बनाना होता है, तो एक दो एक से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, मिनिमम दो बनाना था पर ग्रुप से, एक ग्रुप से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये पूरा आराम से मेरे चैनल पर पढ़ सकते, जो भी चीज़ है जीएस में पढ़ना है इस बुक को हम पूरा अपलोडेड करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए कम से कम ये पढ़ने के लिए, उसके बाद जूलॉजी में तो बहुत हेल्प कर ही देंगे। और कोई भी चीज़ का PDF चाहिए जूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड, तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है जूलॉजी ऑनर्स में। तो पेपर फोर तक तो हम दे चुके हैं BSc पार्ट वन और BSc पार्ट टू में। तो पेपर फाइव में हमें इतना सारा चीज़ पढ़ना होता है, तो देख सकते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी में। और PYQ भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। तो इस तरीके से यहाँ पर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रुप ए ग्रुप बी में से आपका आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा विद अल्टरनेटिव शॉर्ट रिक्वायरिंग क्वेश्चन, ये भी रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 क्वेश्चन या आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 नंबर का होगा। ग्रुप बी की बात करें तो इतना सारा चीज़ पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। उसके बाद इस साइड भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए PYQ देखने के लिए, मतलब PYQ तो हम अपलोड करेंगे ही। यहाँ पर ले लिए पेपर फाइव का, पेपर सिक्स का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है पेपर सिक्स में। तो यहाँ ग्रुप ए से ग्रुप बी तक आप ले लिए, और फिर उसके बाद ग्रुप सी ग्रुप डी का भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए। अब यहाँ पर बात करें पेपर सेवन, पेपर सेवन का भी वैसे ही एक ही तरह का क्वेश्चन सभी पूछता है। तो सेवन यहाँ पर इस तरीके के स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। उसके बाद बात करें तो प्रैक्टिकल आता है बॉटनी ऑनर्स में, तो इसको भी स्क्रीनशॉट आप सही से ले लीजिए और पूरा हम अपलोड कर देंगे हम अपने चैनल पर, चाहे प्रैक्टिकल वाला जो बात हो या थ्योरी वाला जूलॉजी से रिलेटेड। तो जूलॉजी ऑनर्स तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।